शेयर बाजार में मंगलवार 3 सितंबर को सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि महज एक अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी लगातार 14वें दिन हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 67,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में देखने को मिली। दूसरी ओर यूटिलिटी, ऑयल एंड गैस, सीएलटी, पावर और आईटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स 0.19% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.54% की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 4.41 अंक या 0.0053% की मामूली गिरावट के साथ 82,555.44 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी महज 1.15 अंक या 0.0046% की मामूली बढ़त के साथ 25,279.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 3 सितंबर को बढ़कर 465.52 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 2 सितंबर को 464.85 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 67,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 4 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एंजल वन के ओशो कृष्ण का कहना है कि तकनीकी जरिए से बाजार के स्तरों में आज थोड़ा ही बदलाव हुआ। निफ्टी बिना किसी साफ रुझान के लगभग 90 अंकों के छोटे दायरे में घूमता रहा। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ इस समय बुल्स और बेयर्स के बीच भारी रस्साकसी का संकेत दे रहा है। आगे निफ्टी के लिए 25,200 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 25,100 से 25,000 की रेंज के भीतर अगला बड़ा सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ 25,350 से 25,400 पर पहला रेजिस्टेंस, इसके बाद 25,500 पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां से हमें हाई बीटा इंडेक्स बैंक निफ्टी की गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद अब बैंकिंग शेयरों में खरीदारी आ सकती है, जिससे बाजार में नई तेजी आ सकती है। फिर भी निफ्टी में थकान के लक्षण को देखते हुए एक व्यवहारिक नजरिया अपनाना जरूरी है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने आज सपाट शुरुआत की और पूरे दिन कंसोलिडेट होकर एक अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर सेक्टर रोटेशन की मदद से निफ्टी लगातार ऊपर की ओर बढ़ा है। बाजार में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। निफ्टी 25,500 की ओर जाता दिख सकता है नीचे की ओर। इसके लिए 25,160 से 25,120 पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी ने आखिरकार कुछ चमक दिखाई है और अब 51,950 से 52,000 के जोन की ओर बढ़ रहा है, जो 61.82% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर के साथ मेल खाता है। शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी के लिए 51,300 से 51,200 पर सपोर्ट है।